देवेश श्रॉफ बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता है जिनकी बहुत ही कम फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं सभी फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई हैं। टाइगर श्रॉफ अपने जबरदस्त एक्शन और बेहतरीन डांस के वजह से जाने जाते हैं और यही बड़ी वजह है कि उनकी इतनी भारी फैन फॉलोइंग है। यूथ के दिलों पर टाइगर श्रॉफ अपना राज करते हैं और टाइगर श्रॉफ की फिल्मों का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। आपको बताना चाहेंगे, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले खबरें आई थी कि टाइगर श्रॉफ किसी हॉलीवुड फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं, लेकिन अब तक इस खबर की पक्की पुष्टि नहीं हो पाई थी। जी हां दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि टाइगर श्रॉफ का इस बारे में पहली बार बयान आया है और अभी हाल ही में उन्होंने बताया है कि अभी तक मैंने कोई भी हॉलीवुड फिल्म नहीं साइन की है। आपको बताना चाहेंगे कि टाइगर श्रॉफ ने बताया है कि वो अभी किसी हॉलीवुड फिल्म का हिस्सा बनने नहीं जा रहे हैं, फिल्म को लेकर अभी तक बात चल रही है। तो दोस्तों इस तरह टाइगर श्रॉफ ने कंफर्म कर दिया है कि वो हॉलीवुड फिल्म का हिस्सा बनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल उनकी बात चल रही है। वही दूसरी ओर देखना काफी दिलचस्प होगा कि टाइगर श्रॉफ तो बॉलीवुड में जबरदस्त एक्शन करके सभी लोगों पे दिलों पे राज कर चुके हैं और ऐसे में हॉलीवुड में उनका किस तरीके के एक्शन देखने को मिलेगा ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बागी 2 में उनके खतरनाक स्टंट को देखने के बाद लोगों की एक्साइटमेंट उनकी फिल्मों के प्रति काफी हद तक बढ़ गया है। फिलहाल टाइगर श्रॉफ की फिल्मों की तरफ आ जाए तो फिलहाल वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की शूटिंग में व्यस्त, इस फिल्म में उनके अलावा अनन्या पांडे और तारा सुतारिया नजर आने वाली हैं। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है और टाइगर श्रॉफ के हॉलीवुड में एंट्री को लेकर आपका क्या कहना है, नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें। रणवीर सिंह और सारा अली खान स्टारर फिल्म सिम्बा को 28 दिसंबर को रिलीज किया जा रहा है और फिल्म के रिलीज होने में महज कुछ ही दिन बाकी हैं और रणवीर सिंह फिल्म के प्रमोशन का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, सिम्बा फिल्म की प्रमोशन के लिए रणवीर सिंह कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और ऐसे में रिपोर्टरों के सवालों का जवाब भी वो दिल खोल कर दे रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, अभी हाल ही में फिल्म सिम्बा के प्रमोशन के दौरान रणवीर सिंह ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों का विषय बना हुआ है। आपको बताना चाहेंगे, फिल्म के प्रमोशन के दौरान रणवीर सिंह ने सलमान खान और आमिर खान की फिल्म अंदाज अपना अपना के सीक्वल में काम करने की इच्छा जताई है। रणवीर सिंह का कहना है कि मुझे सलमान और आमिर का दोनों का किरदार इस फिल्म में काफी ज्यादा पसंद आया और मैं इस फिल्म के सीक्वल में काम करना चाहता हूँ। फिलहाल रणवीर सिंह कंफ्यूज भी हैं कि वो किस एक्टर का किरदार निभाए, क्योंकि दोनों एक्टरों का किरदार उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया है। फिलहाल इस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या वो इस फिल्म के सीक्वल में काम करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर इस फिल्म का सीक्वल बनेगा तो जाहिर सी बात है दर्शक भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। वही दूसरी ओर रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा की बात करें, इस फिल्म का निर्देशन किया है रोहित शेट्टी ने और इस फिल्म में रणवीर सिंह के धुआंधार एक्शन देखने को मिलेंगे। साथ ही इस फिल्म में अजय देवगन का कैमियो भी काफी सुर्खियों का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है और रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा को लेकर आप कितना ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताएं। जीरो फिल्म के इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप होने के बाद शाहरुख खान ने अपनी कमर कस ली है। जी हां, मीडिया में खबरों के मुताबिक बताया गया कि शाहरुख खान साल 2019 में बड़ा धमाका करने वाले हैं। जीरो को इतनी बुरी तरीके से रिस्पांस मिला है इसलिए शाहरुख खान अपने फैंस को निराश नहीं करना चाहते और अब वो साल 2019 में एक बड़ी फिल्म लेकर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक बताया गया कि सारे जहां से अच्छा के बाद शाहरुख खान सीधा डॉन 3 की शूटिंग में लगने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने डॉन सीरीज के निर्माता फरहान अख्तर से खुद बात की है। आपको बताना चाहेंगे, डॉन 3 के निर्माता अब इस फिल्म के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाना चाह रहे हैं और अपने फैंस को एक बड़ा तोहफा देंगे साल 2019 में। वहीं पर इस फिल्म से जुड़े सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि डॉन 3 में शाहरुख खान के अपोजिट प्रियंका चोपड़ा नहीं नजर आएंगी, उनकी जगह बॉलीवुड की कोई और एक्ट्रेस ले सकती है। फिलहाल बात की भी पक्की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि शाहरुख खान के साथ डॉन 3 में कोई बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस नजर आएगी। डॉन सीरीज की बात करें तो इस फिल्म के सभी पार्ट सुपर डुपर हिट साबित हुए हैं और डॉन 3 को शाहरुख खान काफी बड़े पैमाने पर आना चाह रहे हैं, यानी एक बार फिर से फैंस को शाहरुख खान का डॉन वाला लुक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है और शाहरुख खान की फिल्म डॉन 3 को लेकर आपका क्या कहना है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें। आमिर ने तोड़ा शाहरुख का एक बड़ा सपना। जी हां, आपको बताना चाहेंगे कि जीरो फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई थी और जीरो फिल्म के इतने बुरी तरीके से रिएक्शन के बाद शाहरुख खान को एक बड़ा झटका मिल गया है। आपको बताना चाहेंगे, जीरो फिल्म के प्रमोशन के दौरान जब
रिपोर्टरों के सवालों का जवाब दे रहे थे, तब उनसे पूछा गया कि आपका ड्रीम रोल क्या है, तो शाहरुख खान ने जवाब दिया था कि मैं श्री कृष्ण का रोल प्ले करना चाहता हूँ, यानी श्री कृष्ण का रोल प्ले करने की उन्होंने इच्छा जताई थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण का रोल तो आमिर खान प्ले कर रहे हैं। और उनके इस कन्फर्मेशन के बाद ये साफ साबित हो गया था कि आमिर खान का अगला प्रोजेक्ट महाभारत होने वाला है। महाभारत फिल्म की बात करें तो महाभारत तो काफी बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा और आमिर खान इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर काफी सालों तक बिजी रहने वाले हैं। और मीडिया में एक खबरों के मुताबिक बताया गया है कि आमिर खान महाभारत में श्री कृष्ण का रोल प्ले करने वाले हैं। तो इस तरह शाहरुख खान का सपना टूट चुका है। इसी के साथ आपको इस बात की भी जानकारी देना जाएंगे कि जीरो फिल्म के बाद शाहरुख खान दो बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और अभी हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि शाहरुख खान का नेक्स्ट प्रोजेक्ट सारे जहां से अच्छा और डॉन 3 होने वाला है। सारे जहां से अच्छा की बात करें तो यह राकेश शर्मा की बायोपिक होगी, वहीं दूसरी ओर डॉन 3 की बात करें तो डॉन फ्रेंचाइजी का तीसरा इंस्टॉलमेंट होगा। फिलहाल इन दोनों फिल्मों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि शाहरुख खान का अगला कोई बड़ा ही प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि जीरो फिल्म के इतने बुरी तरीके से रिएक्शन के बाद शाहरुख खान किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेंगे। रणवीर सिंह, सारा अली खान और सोनू सूद स्टारर फिल्म सिम्बा 28 दिसंबर को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है और फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर हिट होने की खासा उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। फिल्म का निर्देशन किया है रोहित शेट्टी ने और ये फिल्म सारा अली खान की दूसरी फिल्म है। इसी के साथ ही इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि सिम्बा फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म ने टेम्पर का हिंदी रीमेक है, जिसमें अजय देवगन भी अपना जबरदस्त कैमियो करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सिम्बा 4 वजहों से ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। वो 4 वजह कौन सी है हम आपको बताते हैं। पहली वजह यह है कि रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी की जबरदस्त जोड़ी। आपको बताना चाहेंगे, रणवीर सिंह जहां बॉलीवुड के पावर हाउस कहे जाते हैं, वहीं दूसरी ओर रोहित शेट्टी भी डायरेक्शन के मामले में ऐसी ही इमेज रखते हैं और दोनों ही एनर्जेटिक हैं और अपने काम को पूरा जोश से करते हैं। रोहित शेट्टी हमेशा से एक्शन भरी फिल्में बनाते हैं और उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित होती हैं। दूसरी बड़ी वजह है कि इस फिल्म से दर्शकों का पूरा एंटरटेनमेंट होने वाला है। आपको बताना चाहेंगे, फिल्म की कहानी कोई खास नहीं है, लेकिन इस फिल्म में दर्शकों को पूरा मसाला मिलने वाला है। इस फिल्म की कहानी की तरफ आ जाए तो रणवीर सिंह एक ऐसे पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं जो कि घूसखोर है और इस फिल्म को और भी ज्यादा मसालेदार बनाने के लिए रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्म सिम्बा से इसको जोड़ा है। जाहिर सी बात है, ये फिल्म दर्शकों को खूब एंटरटेन करने वाली है। तीसरी बड़ी वजह है कि रणवीर सिंह की लंबे समय के बाद कोई बड़ी फिल्म आ रही है। आपको बताना चाहेंगे, साल 2018 के शुरुआती महीनों में उनकी फिल्म पद्मावत आई थी, जिस फिल्म में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था। उनके इस रोल को लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा और उनकी जमकर तारीफ की। उनके नेगेटिव रोल के लोग दीवाने हो गए थे और ऐसे में उनकी पद्मावत के बाद सिम्बा फिल्म आ रही है, तो जाहिर सी बात है दर्शकों की एक्साइटमेंट इस फिल्म के प्रति काफी हद तक बढ़ी होगी। चौथी बड़ी वजह की बात करें तो दिसंबर में कोई भी बॉलीवुड फिल्म अपना जबरदस्त कमाल नहीं कर पाई है। आपको बताना चाहेंगे, अभी हाल ही में 21 दिसंबर के मौके पर शाहरुख खान की फिल्म जीरो रिलीज हुई थी और इस फिल्म से दर्शकों ने खूब उम्मीदें लगाई थी, लेकिन ये फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर बिल्कुल खरी नहीं उतरी। ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई और अब दर्शकों की उम्मीदें रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा पर आकर टिकी हुई हैं और लोगों को उम्मीदें हैं कि साल 2018 के अंत में रणवीर सिंह अपनी फिल्म सिम्बा से जबरदस्त कमाल करेंगे। दोस्तों, ये थे सिम्बा फिल्म के हिट होने के 4 बड़े कारण। आपकी क्या एक्साइटमेंट है फिल्म सिम्बा को लेकर और आपका इस फिल्म को लेकर क्या सुझाव है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें।
रणवीर सिंह और सारा अली खान स्टारर फिल्म सिम्बा की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और मीडिया में आई खबरों के मुताबिक बताया गया है कि रणवीर सिंह की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करने वाली है। जी हाँ, मीडिया में आई खबरों के मुताबिक बताया गया है कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में सिम्बा फिल्म के एडवांस बुकिंग को काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है और फिल्म की धमाकेदार एडवांस बुकिंग हो रही है। वहीं पर ट्रेंड पंडितों का कहना है कि ये फिल्म ओपनिंग डे में कमाल का कलेक्शन करने वाली है। वहीं पर रणवीर सिंह की ये फिल्म साल 2018 की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्मों में से शामिल हो सकती है। ट्रेंड पंडितों का कहना है कि सिम्बा फिल्म पहले दिन के कमाई में करीब 20 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। वहीं पर वीकेंड के अंत तक ये फिल्म 70 से 75 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर सकती है। रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा काफी मायनों में खास होने जा रही है क्योंकि इस फिल्म में अजय देवगन का काफी जबरदस्त तरीके से कैमियो देखने को मिलेगा। पर इस फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी ने इस फिल्म को अपनी ही फिल्म सिंगम से जोड़ा है जो कि काफी ज्यादा दिलचस्प साबित होने वाला है। सिम्बा फिल्म में रणवीर सिंह का किरदार काफी अलग है और वो इस फिल्म में घूसखोर पुलिस वाले का किरदार निभाते नजर आने वाले। इस फिल्म के गाने पहले ही सुपर डुपर हिट साबित हो चुके हैं जिसका बड़ा फायदा इस फिल्म को होता दिख सकता है।